हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋषभ जैन एंड अगर आप मुझे नहीं जानते, मैं एक कार रिव्यूअर हूँ एंड व्लॉगर भी। व्लॉग अभी स्टार्ट करूँगा। वैसे आप सबने 4x4, 4x2 थार सबकी देखी होगी, एक बार हमारी वाली भी देख लो, द प्रॉपर मॉन्स्टर। एंड ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप एक बार इसका स्टैंड चेक कीजिए, टायर्स चेक कीजिए, प्रॉपर ऑफ रोड टाइप बनी हुई है गाड़ी। और ये गाड़ी भी आपको AB मोटर्स पे ही मिलेगी। सॉरी वो पीछे गाड़ी साफ कर रहे हैं इसलिए उन्होंने गाने लगाए हुए हैं। और ये चेक कीजिए, एंड ये गाड़ी में आपको मिल जाता है 2.2 लीटर्स का इंजन, 2200 cc 4x4। एंड इसके अंदर एक प्रॉपर वाइट लाइट्स है, हेडलाइट वाइलाइट, फॉग लाइट वाइट लाइट्स है, डी आर एल विद इंडिकेटर। एंड ये जो माइनस है ये भी इंडिकेटर के साथ ही चल जाता है। आप ये स्टैंड चेक कीजिए, मैं तो इस गाड़ी का प्रॉपर फैन हो गया हूँ यार। मैं अब इस गाड़ी को 2-3 दिन तक चलाऊंगा बढ़िया से। गाड़ी सिर्फ और सिर्फ चली हुई है 7900 किलोमीटर। देख सकते हैं यार कितना बढ़िया स्टैंड है। बोनट खोल के तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बोनट में, चलो एक बार खोल देते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आओ बोनट खोलते हैं पहले। ये देखो, बोनट खोलने के लिए हमें इसके नीचे जाना पड़ेगा यार। ये देखिए कहाँ जाके ये खुल गया। और इसके साथ साथ इसके सेफ्टी सिस्टम भी होने रहते हैं, महिंद्रा ने आजकल हर गाड़ी में देना शुरू कर दिया। जैसे ही बोनट खोलोगे ये सारे के सारे इंडिकेटर्स इसके ऑन हो जाएंगे। ओपन ओपन, अरे फिर से बंद हो गया भाई। बोनट बहुत भारी है, आपको थोड़ी देर में एक बार बोनट उठा लूं उसके बाद आपको मिलता हूं, 2 मिनट। ये देखिए भाई बहुत भारी है यार बोनट, इसलिए ऐसे पकड़ के बैठा हूँ। एयर फिल्टर, टर्बो, 2.2 लीटर पावरफुल इंजन, बैटरी, एंड वहाँ पे आपका एडब्ल्यू डलेगा। एडब्ल्यू नहीं है सॉरी वॉशर फ्लूड है। एडब्ल्यू इसके पीछे डीजल के साथ ही डलता है, डीजल वाले कैप के साथ। एंड इतना भारी है ये, 1, 2 एंड 3। थर्ड की बात सुनी, अब इसको एक बार बंद कर देते हैं। 1 मिनट भाई, इसका पूरा आयरन बम्पर है। बाय चांस अगर ये ऑफ रोडिंग करती है या फिर हाईवे पे चलती है, कोई वैसे तो कोई इससे गलती होगी नहीं, चलाने चलाने के ऊपर डिपेंड। अगर कोई अगला बंदा जान मूझ के फिर अपनी गलती से बीच में बसता है अगली वाली गाड़ी की, तो पर कच्चे उड़ा देगी ये गाड़ी। इसके चेक कीजिए यार, ये देखिए क्या सिस्टमेटिक है। ये चेक करिए यार, ये देखिए लिफ्ट कराई हुई है ताकि गाड़ी नॉर्मल गाड़ी से और ऊंची दिख सके। अब एक बार चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। हाँ, बूट तो आपको दिखाया ही नहीं, इधर से खुल जाएगा आपका बूट। ये देखिए, एंड टायर इतना हैवी है कि जब हम बंद भी करेंगे इसके दरवाजे को, पूरा डोर हिल जाता है यार। ये देखिए अंदर से इसकी रेड लाइट, ब्रेक लाइट, ये चेक कीजिए। अब इसको बंद करने के लिए पहले इसका ग्लास डाउन करो। अरे चाबी गिर गई, अरे भाई साहब, ग्लास डाउन हो गया। अब ये देखिए, आवाज सुनी, रैंगलर टाइप टेल लैम्प्स हैं इसकी, रैंगलर टाइप। एंड अगर आप ये भी देख सको, इसका मतलब है गाड़ी कैंपिंग के लिए यूज, कैंपिंग के लिए रेडी हुई थी, ऑफ रोड के लिए रेडी हुई थी। बहुत कैपेबल गाड़ी बनाई थी जिसकी भी थी पहले ये गाड़ी। इसके साथ आपको ये वाले स्विच तो आपको याद होंगे, हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले चेक करने के लिए, हेडलाइट लेवलर, वॉइस कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ऑडियो सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन, फोन रखने के लिए या उठाने के लिए, 4x4 एंगेज एंड डिसएंगेज स्टिक, ऑटोमेटिक, यहाँ से आपके पावर विंडोज कंट्रोल होंगी, एंड फुल ब्लैक इंटीरियर। इसकी वजह से गाड़ी गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी का, धूप का भपका मारेगी यार। लेकिन AC भी ठीक ठाक है इसका, तो इतना पता नहीं लगेगा। चलो अब इसके अंदर चलते हैं। इसके साथ ही आपको
हाइट एडजस्ट करने के लिए एंड सीट को पीछे रिक्लाइन करने के लिए सब कुछ है। सीट को आगे पीछे करने के लिए ये वाला लीवर है। यार गाड़ी इतनी ऊपर है, मैं इसके ऊपर तक नहीं जा पा रहा, आप देख ले, मेरी हाइट है 5'9" एंड ये गाड़ी नियर अबाउट 6 फीट के नियर अबाउट है, ऊंची उठी हुई है। ये देखिए कितनी ऊपर आके पूरा व्यू दिख जाएगा आसपास का। चलो एक बार अंदर चलते हैं और गाड़ी को करते हैं ऑन। चलो भाई अंदर आ गए हैं। अब इसके अंदर सारे एसी कंट्रोल्स हैं, हैजर लाइट, सीट बेल्ट, एयर सेकंड पैसेंजर सीट बेल्ट, एयर बैग्स के लिए एंड चिंटू मिंटू सा ग्लव बॉक्स, प्यारा सा क्यूट सा। अब एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट जब होती है तब इसका जो पूरा एनालॉग मीटर वो चेक करो। अरे एसी ऑन हो गया, वो देखिए। टायर प्रेशर बैक वाले में थोड़ी कम है, स्टिपनी में, बाकी चारों के चारों टायर में फुल है। लो फ्यूल वार्निंग भी दे रहा है, शेड्यूल सर्विस ड्यू। जो भी गाड़ी लगे आप एक बार किलोमीटर चेक कीजिए, सबसे कम किलोमीटर था। एक बार इसको ड्राइव पे लेके चलेंगे। ये किया हमने ड्राइव पे। चलो भाई, वाह ऐसे और ना होता ना मजा भी आता है। सामने वाला बंदा डर जाए गाड़ी को देखे, इतनी हाई स्टैंड पे चल रही है गाड़ी। इसका यार थोड़ा सा एसी ऑन कर लेते, बहुत ज्यादा गर्मी है इस गाड़ी में। कर लिया, थोड़ी सी हवा की आवाज आएगी उसके लिए यार बेयर कर लेना, बहुत ज्यादा गर्मी है यार। आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बस थोड़ी सी गर्मी में हम काम नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना पसीना हो चुका हूँ। ये देखिए फुल ऑन गर्मी हो चुकी है। अब ये देखिए फॉर्च्यूनर से सामने फॉर्च्यूनर आ रही है, इससे भी ऊंची लग रही है इस टाइम पे ये गाड़ी। ये देखिए स्कॉर्पियो एन आई, इससे चलो ऊंची लगनी ही लगनी है। सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन पहले भी बॉडी रोल था इसमें, तो अब ज्यादा लिफ्ट हो चुके हैं तो बॉडी रोल और ज्यादा बढ़ गया होगा, है बढ़ गया है। वो देखिए ये अटेंशन सीकर है गाड़ी ये वाली, वो सामने देखिए कैसे देख रहे हैं सारे। अटेंशन सीकर है गाड़ी, अगर किसी को चाहिए हो तो एबी मोटर्स पे आओ और इस गाड़ी के ओनर बन जाओ। तब तक के लिए हम रिव्यू कर लेते हैं इस गाड़ी का बढ़िया से। देखो एक बार इसको यहाँ पे खड़े होकर लॉन्च करते, वैसे लॉन्च करने की जरूरत नहीं, वैसे भी ऑफ रोड की गाड़ी है, टफ रफ एंड टफ, तब भी आपके लिए लॉन्च करते हैं। ये देखिए इसके टायर्स कैसे बाहर को निकले हुए हैं, वन पीछे कोई आ तो नहीं रहा, नहीं यार आ रहा आ रहा आ रहा। एक बार इनको निकलने चाहिए, उसके बाद करते हैं लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सेलरेटर एंड हेयर वी। भाई पीछे से गाड़ी एकदम नीचे को बैठ जाती है, क्योंकि लिफ्ट कौन की वजह से पीछे से बैठ जाती है एंड गाड़ी आगे से उठ जाती है। क्या मजेदार है। एंड गाड़ी की स्टेयरिंग की फीलिंग एंड फीडबैक की बात करें, फीलिंग एंड फीडबैक थोड़ी सी मुझे वैसी ही लगी, ठीक ठाक सी, ऐसी कुछ खास फीलिंग फीडबैक नहीं है, लेकिन कंट्रोल में रखती है। अगर आप अच्छे से चलाएं इसको तो कंट्रोल में रहेगी गाड़ी, कोई ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, क्या होगा। एक बार गाड़ी को यहाँ पे खड़ी करते हैं, इसका एक सिनेमैटिक शॉट बनाते हैं जो कि आपको मिल जाएगा इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है? तो आपको विद इन मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। चलो जी, तो भाई ये है इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम। मैंने इसलिए नहीं आपको दिखाया क्योंकि इसके अंदर कुछ इतना खास नहीं है, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। बाकी गाड़ियों में अगर कुछ खास लगा तो इसके अंदर इन्फोटेनमेंट का तो मैं आपको जरूर दिखाता, लेकिन वैसे कुछ इसके अंदर इतना कुछ खास नहीं है, इसलिए सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। चलो फिर, तो भाई सिनेमैटिक शॉट हो चुके हैं रेडी, आपको थोड़े दिनों में मिल जाएंगे मेरे चैनल पे देखने को, इसी चैनल पे देखने के लिए। क्या कह रहे हो, क्या एक और बार लॉन्च करें? यार टायर बहुत बड़े हैं यार, लॉन्च तो करने का मेरा ही मन है। चलो आपका मन रखने के लिए हम करते हैं, लेकिन इधर नहीं, थोड़ा सा आगे जाके करेंगे।
पीछे से देख रहे हो कैसे आवाज कर रही है गाड़ी। 1 2 3 भाई साहब लोग तो एकदम से पीछे हट जाते इतने से इस मॉन्स्टर को देख के। अब एक बार इसको यूटर्न ले लेते हैं। यूटर्न भी क्या लेते हैं यार, इस थार 4x4 का ये जो व्लॉग है मजेदार व्लॉग है एंड करते हैं। आपको मिलते हैं इसी के साथ अगले व्लॉग में। शेयर और सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो, लाइक का भी तोड़ दो, यूट्यूब हैंग कर दो, और मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए